चलिए आज बनाते हैं बहुत ही हेल्दी तरीके से बच्चों के फेवरेट डोरा केक। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए, हमें ये डोरा केक बनाने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आधा कप मैंने दूध लिया है और ये नॉर्मल टेम्परेचर का है। तो सबसे पहले हम एक केले को छील लेंगे और इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे। और जो खजूर है इसके बीज को निकाल के हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे और बाकी का जो काजू और बादाम है उसे भी डाल देंगे और इलायची के सिर्फ बीज को ही डालेंगे। और यहाँ पे जो दूध है इसे भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पे जो हम खजूर ले रहे हैं हमारे डोरा केक में, इसी से मिठास आएगी और इससे हल्का सा चॉकलेटी फ्लेवर भी आता है जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे एकदम स्मूथ पीस लिया है। अगर इसमें एक दो बड़े टुकड़े हैं तो आप उसे निकाल सकते हैं। और इसे हम बड़े से मिक्सी बाउल में निकाल लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे एक कप आटा लिया है जिसे मैंने पहले ही छान लिया था। और अब मैं यहाँ पे आधा आटा मिला रही हूँ, मतलब आधा कप आटा है। और पहले हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आधा कप ही आटा डाल रही हूँ, इससे एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है। और यहाँ पे हाफ टी स्पून मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक चम्मच हनी डाला था जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। अब तो यहाँ पे हमारी ये बैटर तैयार है और अब इसे केक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। और अब थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के हम पेनकेक बनाएंगे। आप जितने बड़े बनाना चाहते हैं उतना बैटर डालिएगा। और जैसे ही आप बैटर डालेंगे ये खुद ही फैल के अच्छे से शेप ले लेगी। अगर ये नहीं फैल रही है तो मतलब आपकी जो बैटर है वो हल्की से गाढ़ी है। तो इसमें आप थोड़ा सा दूध या पानी मिला सकते हैं। और यहाँ पर अब हम इसे ढक के 2 मिनट तक सेकेंगे। मैंने फ्लेम को एकदम लो रखा है और यहाँ पर देखिए ऊपर ही कितनी अच्छे से बबल आई है। तो इसी से हमारी ये पेनकेक बहुत अच्छे से बनेगी और ये फूलती नहीं है रोटी की तरह। तो ये बबल्स आना ज़रूरी है। और 2 मिनट के बाद हम इसे पलट लेंगे और आप देख सकते हैं कलर कितनी अच्छी आई है। तो दूसरे साइड से भी हम इसे 1 मिनट के लिए ढक के सेकेंगे। और 1 मिनट के बाद ये केक एकदम परफेक्ट सिक गई है। तो अब हम इसे निकालेंगे और यहाँ पे जो ये कलर आई है ना, ये हनी की वजह से आई है। और अगर आपके पास हनी ना हो तो आप एक चम्मच यहाँ पे चीनी पाउडर या फिर मिर्ची पाउडर भी मिला सकते हैं, उससे भी अच्छी कलर आती है। और इसी तरह से हम सारे पेनकेक बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम बनके तैयार होती है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं और हम इसे थोड़ा सा और टेस्टी बनाएंगे जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर न्यूट्रेला लिया है। तो अब हम पेनकेक के ऊपर एकदम अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे और दूसरा एक केक इसके ऊपर रखेंगे और इसे चिपका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डोरा केक बहुत ही यम्मी दिख रही है। तो मैं तो अक्सर इसे घर पे बनाती हूँ। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आती है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।